मॉर्निंग गाइस, सो आज कितना सनी सा वेदर है ना, सो आज बहुत कुछ धूप पे दिखाना है। गाइज, आज के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है पोहा। मैंने बनाया है आलू एंड प्याज के साथ, क्योंकि अभी और कोई वेजेस अवेलेबल नहीं है, लाइक गाजर वगैरह खत्म हो चुका है, तो इसलिए आलू प्याज के साथ ही मैंने बना दिया है। आलू प्याज के साथ भी अच्छा लगता है पोहा, है ना। और ये हम तीनों का ही ब्रेकफास्ट है, बियान भी पोहा खाता है, सो बियान को खिलाती हूँ, देन हम दोनों खाएंगे। अभी ना हम लोग फिर से ग्रीन टी को हमारे डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं। मतलब 2-3 दिन हुआ है हमने स्टार्ट किया है, तो डेली सुबह के टाइम हम लोग पीते हैं ग्रीन टी। और ग्रीन टी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है। सो ग्रीन टी आप लोग ज़रूर पीजिएगा, ग्रीन टी में ढेर सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। काफी गर्म है, इतना गर्म मैं ना कुछ पी नहीं सकती, सो पहले ना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ये है पोहा, बियान का ब्रेकफास्ट हो चुका है। नाची 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 नाची। तो गाइस, अभी अभी मैं जस्ट बियान को सुला के आई हूँ, सो ये उसका मॉर्निंग नैप टाइम है। सो वो अभी सो रहा है, और इस बेड की हालत देख सकते हो, बहुत ही गंदा है।
तो अभी भी जैसे थोड़ा सा बड़ा हो चुका है ना, और वो अभी जब सोता है ना तो काफ़ी देर तक सोता है, मीन्स एक डेढ़ घंटा तो मिनिमम वो सोता है। और वो जब सोता है ना सो उस टाइम पे मैं घर का बहुत सारा काम कर लेती हूँ, उस टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ। अगर वियान उठ भी जाए ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि मैं किचन में कुकिंग करती रहती हूँ और वियान तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ही रहता है। सो वियान क्या करता है कि बर्तन लेके मेरे पीछे पीछे खेलते रहता है। सो मेरे लिए भी ईजी हो जाता है, मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ और साथ में मैं वियान को भी देखती रहती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी एक अच्छा सा लंच, सो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो आज मैं एक लैविश पंजाबी लंच बनाने वाली हूँ। सो क्या क्या बनेगा सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एंड रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों को मेरी रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो और ना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए किचन में खाना बना लेते हैं, एंड साथ में मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। ओके गाइस, तो दाल मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए ये काली उड़द दाल। सो इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, तो एक कटोरी मैंने ये ब्लैक दाल लिया था, और साथ में मैंने करीबन 2-3 चम्मच मैंने राजमा डाला है उसमें, तो उसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था पानी में। और अभी मैं इसको पहले प्रेशर कुक करने वाली हूँ। सो मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, और इसके अंदर डाल देंगे सारा दाल। ओके, और फिर इसमें डालेंगे पानी, जी पानी डाल लिया है, और हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। तो अभी 1 चम्मच सॉल्ट डाल रही हूँ, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। और इसको ना अच्छे से बॉईल करनी है। तो मैंने दाल चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए, तो मैंने ना 3-4 सीटी मैंने हाई फ्लेम पे डाली है, एंड उसके बाद मैंने गैस को मीडियम किया है, मतलब लो मीडियम किया है, और फिर मैं इसको 15-20 मिनट ऐसे ही और पकने देने वाली हूँ ताकि दाल अच्छे से बॉईल हो जाए। और तब तक मैं पनीर लबाबदार बनाने की मैंने प्रिपरेशन किया है, क्योंकि दाल पकने में टाइम लगेगा, तब तक पनीर मेरा साइड में बनता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पनीर को ऐसे पीसेस में काट लिया है छोटे छोटे, और थोड़ा सा मैंने अलग रखा है क्योंकि ये मैं घिस के डालने वाली हूँ। सो वो, और पनीर लबाबदार बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टमाटर। सो 2 टमाटर को मैंने ऐसे काट लिया है, और फिर यहाँ पर मैंने लिया है कुछ खड़ा गर्म मसाला, 2 पीस दालचीनी, 2 हरी इलायची और 3 लौंग लिया है, और मैंने इतना सा अदरक लिया है। और आप इसके साथ ना कितना मिर्ची खाओगे, अगर आप ब्लैक पेपर डालना चाहते हो तो वो डालिएगा, और अगर आप हरी मिर्ची डालना चाहते हो तो 2 से 3 हरी मिर्ची आप ऐड कीजिएगा। पर क्योंकि व्यान भी खाएगा सो इसलिए मैं हरी मिर्ची अभी नहीं डाल रही हूँ, बाद में डालूंगी। और इसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये काजू। काजू मैंने 10 से 12 काजू लिया है, और फिर यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है मेलन सीड्स, मीन्स मगज। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है पनीर लबाबदार के लिए, क्योंकि पनीर लबाबदार थोड़ा सा क्रीमी बनता है, सो क्रीमीनेस इससे ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं करूंगी जो है वो पनीर को हल्का सा सॉटे करने वाली हूँ। गाइस, तो मैंने इसको हल्का सा भून लिया है, आप देख सकते हो, और पनीर को ज़्यादा भूनना भी नहीं चाहिए वरना पनीर ना हार्ड हो जाता है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। और पनीर लबाबदार बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत जल्दी भी बन जाता है, बस मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा झंझट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और टेस्टी भी बनता है। मैं फिर से डालती हूँ थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, और इसके साथ मैं डालूंगी ये जो गरम मसाला मैंने दिखाया ना, खड़ा गरम मसाला, वो भी। तो इसको मैंने भून लिया है, अभी मैं इसमें डालूंगी ये अदरक और टमाटर, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी काजू एंड मगज। तो इन सबको ना हमें थोड़ा सा पकाना है, जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए तब तक हम इसको पका लेंगे। पहले हल्का सा भून लेते हैं ऑयल में, देन हम इसको ढक के पकाएंगे।
सो दाल भी अच्छे से बॉयल हो गई है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। और तब तक हमारा टमाटर, काजू, मगज ये सब भी फ्राई होने के बाद मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए, सो ये ठंडा हो गया है। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को मिक्सी में पेस्ट करने वाली हूँ। ओके, तो अभी हम लोग दाल में लगाएंगे तड़का। तो क्योंकि ये दाल मखनी है, सो दाल मखनी के लिए आप मक्खन का यूज़ कर सकते हो, पर मक्खन मैं लास्ट में यूज़ करूँगी क्योंकि हम लोग तो घर में बना रहे हैं ना, सो थोड़ा सा हेल्दी स्टाइल में बनाएंगे। तो मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ एंड इसमें मैं ऐड करूँगी घी। तो आप ना घी में भी बना सकते हो अगर आप चाहते हो तो। तो मैं एक चम्मच घी इसमें डाल रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा एक चम्मच, और फिर मैं ये इसमें डालूंगी चॉप किया हुआ गार्लिक। तो मैंने गार्लिक को चॉपर में चॉप कर लिया है, सो इसमें मैंने 5-6 कलियां गार्लिक का लिया था, सो उसको मैंने चॉप कर लिया है। गार्लिक को पकने देते हैं। और फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, एंड थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, एकदम थोड़ा सा ही मैंने डाला है। एंड इसको अच्छे से पकाना है। ध्यान रखिए कि गार्लिक जो है ना वो जलना नहीं चाहिए। और इसमें मैं अभी ऐड करूँगी ये 2 टमाटर का मैंने प्यूरी बना के रख दिया है अभी अभी जस्ट, तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एंड टमाटर को हमें बहुत ही अच्छे से पकाना है। और अभी मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, फिर मैं डालूंगी इसमें जीरा पाउडर और गरम मसाला। एंड सबको अच्छे से पकाएंगे तब तक जब तक टमाटर से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो गाइस ये देखिए टमाटर काफ़ी अच्छे से पक चुकी है और ऑयल इससे सेपरेट होने लगी है। तो अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दाल। तो ये हमने दाल मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है क्योंकि प्रेशर कुक करते वक्त सारा पानी जो है वो दाल ने सोख कर लिया था। और मैं ऑफकोर्स इसमें तो पानी तो मिलाने वाली हूँ। सो पानी मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए रखा है, तो पानी गर्म होते ही मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो तब तक मैं टमाटर के साथ जो है वो दाल को अच्छे से मिक्स कर लूँ, तब तक मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा और फिर दाल यहाँ पे पकता रहेगा और हम लोग पनीर बना लेंगे। सो पानी गर्म हो चुका है तो पानी मैं इसमें डाल देती हूँ। और सॉल्ट हमने दाल बॉईल करते वक्त डाला था और सॉल्ट हम अभी अगेन डालने वाले हैं। हमें थोड़ा सा और पानी चाहिए क्योंकि ये दाल ना आप जितना पकाएंगे उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। सो आप अगर 45 मिनट और 1 घंटा तक ऐसे ही पकने देंगे ना इसको, सो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो दाल जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। सो सॉल्ट मैं इसमें डाल दे रही हूँ। सो दाल हमारी वहाँ पे उबाल रही है और दाल मखनी के 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है जो मैं थोड़ी देर बाद में दिखाती हूँ। दाल थोड़ा उबालता रहे और तब तक हम यहाँ पे सेम पैन में बना लेंगे पनीर लबाबदार। तो चलिए बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे घी। इतना काफ़ी होगा।
और फिर क्योंकि देखिए पहले हमने खड़ा गरम मसाला मतलब मसाला वगैरह दे दिया है, सो अभी इसमें ना ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे क्या होगा कि ये दोनों ऑयल में डालने से ना कलर अच्छा आता है। और हम डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी, जस्ट थोड़ा सा भून लीजिए इसको। जब अच्छी से खुशबू आए ना तब इसमें हम वो पेस्ट है ना जो बनाया है इसको ऐड कर देंगे। और मैं मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल रही हूँ। ग्रेवी को थोड़ा सा पकाइए। ओके, तो अभी हम इसमें ना ऐड करेंगे ये जो पनीर मैंने पहले दिखाया था ना, सो इसको ग्रेट करके मैं इसमें डालूंगी। डाल दिया है तो मिला लेंगे इसको भी। और हम ना इसमें मिलाएंगे मलाई। सो मेरे पास ना इतना ही मलाई है और मलाई मुझे दोनों डिश में मिलानी है, मीन्स दाल मखनी में भी मलाई चाहिए और इसमें भी, तो इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो मैं 2 चम्मच यहाँ पे डालूँगी मलाई का। आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, पर दुकान में ज़्यादा मलाई डालते हैं आप, अगर आपके पास है तो ज़्यादा डालिए ठीक है, लेकिन हम लोग घर में खा रहे हैं ना तो ठीक है कोई बात नहीं। और मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ज़्यादा नहीं डाला है, एकदम थोड़ा सा डाला है क्योंकि बियान खाएगा ना, तो मैं मिर्ची पाउडर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। आप अच्छे से डालिएगा 1 चम्मच तो कलर बहुत ही अच्छा आएगा। सो ये, और पनीर की ये ग्रेवी को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो ग्रेवी है ना वो तो पहले से ही पकी हुई है, मीन्स वो पेस्ट तो हमने पहले से ही पका के रख दिया था। तो अभी हम इसमें डाल देंगे पानी, तो ये आपके अकॉर्डिंग है आप कितना डालना चाहते हो। और हमने सॉल्ट नहीं डाला था तो अभी सॉल्ट ऐड करने वाली हूँ। मैं सॉल्ट डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। और ना इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा चीनी मैंने डाली है इसमें, सो ये ना बैलेंस करने के लिए टेस्ट अच्छा लगेगा। सो पनीर में मैंने पानी डाला है सो इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए। और यहाँ पे ये जो दाल मखनी है ना ये काफ़ी देर से पक रहा है, और अभी मैं इसमें ना ये जो बची हुई मलाई है ना तो ये मैं इसमें मिलाने वाली हूँ। आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो मलाई की जगह पे, पर मलाई मेरे घर में है सो मैं बाहर का फ्रेश क्रीम क्यों यूज़ करूँ, है ना। मलाई ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये दाल मखनी है ना तो इसमें मलाई मक्खन ये सब ज़्यादा डलते हैं। इसको मैं और थोड़ी देर पकने दूंगी क्योंकि मेरे पास अभी भी टाइम है। ओके, सो ये जो ग्रेवी है ना ये अच्छे से पक गई है, तो अभी मैं इसमें डालूंगी ये फ्राई किया हुआ पनीर के पीसेस, इसमें डाल देंगे। और हमने तो मिर्ची का यूज़ नहीं किया है इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसमें डाल रही हूँ। आप ना इसमें एक दो हरी मिर्ची यूज़ कीजिए, और वरना ये थोड़ा सा मीठा मीठा सा ही होता है। बस इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे और इसको निकाल लेंगे। निकाल
तो गाइस बयान उठ चुका है और बयान को ना मैं ये कपड़ों की जो क्लिप्स होता है ना उसको मैं ऐसे करके मैं बयान को रेलगाड़ी बोलता रहता हूँ और बयान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो देखिए रेलगाड़ी और जस्ट अभी दाल बन रहा है, मीन्स दाल मखनी बनने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है इन द सेंस कि आप जितना पकाओगे उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी और पनीर बनके तैयार है। और हाँ, बस इसके साथ ना चावल अच्छा नहीं लगेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि चावल खाते हैं क्योंकि हम लोग बंगाली है एंड वी लव चावल, सो इसलिए चावल हम लोग ज्ञान बुक दे रहा है बनाने के लिए बैग में क्या है सो इसलिए चावल हम लोग दोपहर में खाते ही खाते हैं। पर ना आज हम सोच रहे हैं क्योंकि एक पंजाबी लंच बना रहे हो सो आज कुछ अलग खाने की सोच रही हूँ। सो सोच रही हूँ रोटी पराठा ये सब अच्छा लगेगा ना खाने में, सो इसलिए आज मेरे अंगूठा देख के वो बोल रही है कि पढ़ा लो। पढ़ाती हूँ पापा, एक बात कर रही हूँ। सो रोटी या पराठा कुछ बनाऊँगी ऐसा। रेड रेड बोलो, टमाटो, ब्लू ब्लू बैलून, येलो येलो फ्लावर, ब्लैक ब्लैक हैट, ग्रीन ग्रीन लीव्स, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, पर्पल पर्पल कप, पिंक पिंक चैन। सो पनीर वहाँ पे मैंने रख दिया है, पनीर बन चुका है और दाल मखनी अभी भी पक रहा है आप देख सकते हो, एंड साइड में मैंने रोटी चढ़ाया है। सो ये व्यान के लिए है और दाल मखनी मैं जब तक पॉसिबल होगा तब तक पकाऊंगी। तो व्यान के लिए रोटी बन रहा है अभी। सो दाल मखनी देख रहे हैं अभी तक पक रहा है और विहान को मैंने खाना सर्व कर दिया है ऑलरेडी। और अभी मैं ना इसमें डालूंगी मक्खन, क्योंकि ये दाल मखनी है सो मक्खन क्रीम ये सब ज़्यादा डलता है। तो रेस्टोरेंट पे तो ये सब भर भर के डालते हैं लेकिन घर में बनाते हैं ना तो थोड़ा सा हेल्दी तरीके से बनाते हैं, इसलिए मैंने विहान का निकाल लिया है। और फिर मैं इतना सारा बटर ऐड कर रही हूँ, मैं अपने रेगुलर खाने में इतना ज़्यादा बटर घी इतना ज़्यादा नहीं ऐड करती हूँ, लेकिन ठीक है एक आध दिन चलता है। आप अगर चाहे तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा दाल मखनी कितने अच्छे से बन चुकी है। बस अगर आपके पास फ्रेश धनिया पत्ता है तो वो आप ऐड कर दीजिए, पर मेरे पास फ्रेश धनिया पत्ता है नहीं तो मैं ऐड नहीं कर सकती हूँ। तो देखिए दाल मखनी, और मैंने टोटल दाल मखनी को 40 से 45 मिनट तक पकाया है। आप घंटों भर इसको पका सकते हैं, जितना पकाएंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा, पर इतना टाइम नहीं है मेरे पास तो इसलिए 40-45 मिनट तक पकाया है, दैट्स एनफ फॉर मी। हाँ तो बस दाल मखनी हमारा तैयार है, मैं गैस को कर रही हूँ ऑफ। सो गाइस मैंने हमारा लंच जो है वो सर्व कर लिया है और मैंने इसके साथ बनाया है छोटे छोटे लच्छेदार पराठा। तो इसकी रेसिपी मैं बाद में किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा मुझे पता है। सो ये है पनीर लबाबदार और ये है दाल मखनी, एंड ऊपर से अगर थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम अगर मैं स्प्रेड करती ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता। और इसके साथ हमने लिया है हरी मिर्ची अचार। बस ये है आज का लंच टेस्टी वाला। सो गाइस इस वीडियो को मैं अभी एडिट कर रही थी और मैंने देखा कि इस वीडियो को मैंने एंड किया ही नहीं था। सो लंच करने के बाद मैं भूल ही गई इस वीडियो को एंड करना। सो इस वीडियो को मैं आज एंड कर रही हूँ और लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कल एक इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग आएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय।